भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को कहती है कि हिंदू खतरे में है, तो मैं पूछना चाहती हूँ अंधभक्तों से, देश के प्रधानमंत्री हिंदू, देश के राष्ट्रपति हिंदू, देश के कानून मंत्री हिंदू, देश के गृह मंत्री हिंदू, 28 मुख्यमंत्री हिंदू, हमारे देश की जनसंख्या में सबसे ज्यादा हिंदू है, उसके बाद हिंदुओं को खतरा किससे? हिंदुओं को खतरा है भारतीय जनता पार्टी के जुमलों से, किसानों को खतरा है भारतीय जनता पार्टी के जुमलों से, युवाओं को खतरा है भारतीय जनता पार्टी के जुमलों से। और मैं कहना चाहती हूँ मोदी जी से, हिंदू खतरे में नहीं है। जो आपने लोगों को डराना शुरू किया था हिंदू मुस्लिम के नाम से, अब जनता जागरूक हो चुकी है, जनता समझ चुकी है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपका जुमला था। जब हमारे देश की जनसंख्या सबसे ज्यादा हिंदुओं की है, तो हमें किस बात का डर? हमें किसी बात का डर नहीं है। हिंदुओं को डराना बंद करिए मोदी जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ। देश का आगे आने वाला भविष्य खतरे में है, देश के आगे आने वाले युवा खतरे में है, हमारे बच्चे जो आगे चल कर पढ़ाई करेंगे, उनकी पढ़ाई के बाद ना उनके एग्जाम्स होंगे ना ही उनका रिजल्ट आएगा, और उसके बाद अगर एग्जाम्स हो भी गए तो पेपर लीक हो जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में आखिर चल क्या रहा है? भारतीय जनता पार्टी जब से आई है युवा बेरोजगार और बेरोजगार होते चले जा रहे हैं, किसानों के साथ क्या एक साल तक सुलूक हुआ वो तो हम सबने देखा ही, और पंजाब में जिस तरह से आपने नाटक रचा वो भी देश की जनता ने देखा। पूरा डायरेक्शन आपका था, पूरा प्रोडक्शन आपका था, पूरी एक्टिंग आपकी थी, उसके बाद आपने बदनाम किया पंजाब को, पंजाबियों को, पंजाब की सरकार को, चन्नी जी को, और उसके बाद सबने देखा कि गरीबों के मसीहा यानी कि सोनू सूद जी ने पंजाब जाकर चन्नी जी के साथ कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। वो सबूत है कि देश के युवा, देश के गरीब सहायक यानी कि सोनू सूद जैसे लोग कांग्रेस पार्टी शामिल होते हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ गुंडा राज फैला रही है, कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार फैला रही है, जो कि अब देश की जनता जाग चुकी है। हिंदू खतरे में नहीं है, नहीं है, नहीं है। देश के युवा खतरे में है, देश के किसान खतरे में है, महिलाएं खतरे में है, और देश का आगे आने वाला भविष्य खतरे में है भारतीय जनता पार्टी से। और अब हिंदुओं को डराना बंद करो, बहुत हो गया हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान। अब देश की जनता जागरूक हो चुकी है, अब देश की जनता को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता।